किसी ने सच ही कहा है, जब दिल में इच्छा हो तो राहें अपने आप बन ही जाती हैं। बहुत दिनों से हमारी इच्छा थी कलकत्ता घूमने की, और इस बार हमारे प्रिय मित्र रजनीश जी के साथ ये इच्छा भी पूरी होने जा रही थी। हम लोगों ने बहुत बार सोचा कि कलकत्ता घूमाएं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि नहीं जा पाए। इस बार ईश्वर ने साथ दिया और हम सब निकल पड़े कलकत्ता की यात्रा पर। हमारी फ्लाइट लखनऊ से कलकत्ता की थी, लेकिन चूंकि कोरोना काल चल रहा था इसलिए समय समय पर वो दो बार रीशेड्यूल भी हुई। अब हमें जाना था बॉम्बे। शुरुआत में तो बड़ा अजीब लगा कि कहाँ डेढ़ घंटे की फ्लाइट लखनऊ से कोलकाता की, जो कि अब मुंबई होकर जाने पर करीबन 13 घंटे की बन चुकी थी। लेकिन कर भी क्या सकते थे, मन में चल रहा था कि कैसे समय कटेगा, क्या होगा, लेकिन सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दिया था। जैसा सोचा था मुंबई के बारे में, माया नगरी के बारे में, बहुत ही खूबसूरत शहर, बहुत ही खूबसूरत। ये आप जो मुंबई का एरियल व्यू देख रहे हैं, ये हम सब मुंबई में लैंड करने वाले थे उसी समय का व्यू है। अब मन में उत्सुकता जाग रही थी कि अगर मुंबई ऊपर से इतना खूबसूरत है तो नीचे से कितना खूबसूरत होगा। तो हम सब मुंबई एयरपोर्ट पर करीबन रात में 10 बजे के आसपास लैंड किए। मुंबई उतरने के बाद पहले ख्याल आया कि क्या हमें चेक इन करने को मिलेगा इतनी जल्दी, लेकिन हम लोग गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। करीबन 10:15 बजे के आसपास हम लोगों ने मुंबई एयरपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल में एंट्री ले ली। टर्मिनल बिल्कुल 5-स्टार होटल की तरह बहुत खूबसूरत था। इसकी जो वर्ल्ड क्लास फेमस डिज़ाइन है, जिसकी डिज़ाइन देखते ही कोई भी कह सकता है कि ये मुंबई एयरपोर्ट है, जब हमने उसको पहली बार देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। इतना खूबसूरत डिज़ाइन जो ये आप सामने देख रहे हैं, पूरा मुंबई एयरपोर्ट की छत इसी तरह से बनाई गई है, निहायत ही खूबसूरत और भव्य बिल्डिंग। हम लोग अब सोच रहे थे कि इतना खूबसूरत एयरपोर्ट जो हमने आज तक नहीं देखा, हमने दिल्ली का भी देखा है, कलकत्ता भी देखा है, लेकिन इतना खूबसूरत एयरपोर्ट पहली बार देख रहे हैं और ऊपर से लोग भी नहीं हैं। तो हम लोगों ने ये निश्चय किया कि पूरा एयरपोर्ट देखेंगे और हम लोग इसका एक एक कोना ध्यान से देखेंगे। तो हम सब निकल पड़े मुंबई एयरपोर्ट की यात्रा पर, और हमारे साथ इस खूबसूरत एयरपोर्ट का दीदार आप लोग भी करें, आप भी इस एयरपोर्ट को देखें। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, जिसे पहले सहार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता था, मुंबई महानगर क्षेत्र भारत की सेवा करने वाला प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह दिल्ली के बाद कुल और अंतर्राष्ट्रीय यात्री यातायात के मामले में देश का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, और कैलेंडर वर्ष 2019 में यात्री यातायात द्वारा एशिया का 14वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा और दुनिया का 41वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा था। वर्ष 2018 में इसका यात्री यातायात लगभग 50 मिलियन था। यह कार्गो यातायात के मामले में दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा भी है। मार्च 2017 में हवाई अड्डे ने लंदन के गैटविक हवाई अड्डे को एक समय में एक रनवे संचालित करने के लिए दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में पीछे छोड़ दिया। बाद में मुंबई में यात्रियों की संख्या कम होने के कारण 2019 के अंत में गैटविक हवाई अड्डे द्वारा इसे फिर से पार कर लिया गया। एक बहुत ही अच्छी बात लगी, इसके अंदर जो पौधे लगे हुए हैं, जो आप देख रहे हैं क्यारियों के रूप में, ये सारे असली पौधे हैं, आर्टिफिशियल प्लांट नहीं है, और इसके अंदर धूप की रोशनी ना आने पर भी ये बिल्कुल हरे भरे हैं। रात में 10 बजे से चलते चलते सुबह के 3 बज गए और हम लोगों ने एक एक हिस्सा एक्सप्लोर किया। आपके लिए कोशिश की कि मुंबई एयरपोर्ट का कोई भी अच्छा हिस्सा न छूटने पाए। अगर हम लोगों ने इतनी मेहनत की है
तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो आप सामने डिज़ाइन देख रहे हैं, ये राजस्थानी शैली की डिज़ाइन है, जिसमें वहाँ पे बनी हुई हवेलियाँ, उनकी मेहराबदार छतें, उनके दरवाजे आपको दिखेंगे। ध्यान से देखिए, पूरा राजस्थानी शैली का लुक है। इस हवाई अड्डे के 3 ऑपरेटिंग टर्मिनल हैं, जो 750 हेक्टेयर के कुल भूमि क्षेत्र में फैले हुए हैं और प्रतिदिन लगभग 950 विमानों की आवाजाही को संभालते हैं। इसने 9 दिसंबर 2018 को रिकॉर्ड 1007 विमानों की आवाजाही को संभाला, जो जून 2018 में एक दिन में 1003 उड़ान के अपने पहले रिकॉर्ड से अधिक है। इसने 16 सितंबर 2014 को एक घंटे में रिकॉर्ड 51 फ्लाइट्स को संभाला। दिल्ली के साथ एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा सालाना 40 मिलियन से अधिक यात्रियों को संभालने वाले हवाई अड्डों की उच्चतम श्रेणी में एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2017 में इसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया। इसने स्काई ट्रैक्स 2016 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार भी जीता। यह समय पर टेक ऑफ और लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए हवाई अड्डा सहयोगात्मक निर्णय लेने और उसे लागू करने वाले भारत के 3 हवाई अड्डों में से एक है। इतना चलने के बाद लगभग 5 घंटे हम लोगों को होने वाले थे, सुबह के 3 बज रहे थे। अब भूख लगने लगी थी, अब क्या किया जाए, तो हम लोगों ने एयरपोर्ट में लाउंज ढूंढना शुरू किया। कोरोना की वजह से अधिकतर लाउंज तो बंद थे, लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद हम लोगों को एक लाउंज खुला हुआ मिल गया। लाउंज क्या कहेंगे, ये एक 5-स्टार होटल का रेस्टोरेंट लग रहा था, बहुत ही भव्य और बहुत ही अच्छा। सारी सुविधा थी, कम से कम 8 मील की कॉफ़ियाँ उपलब्ध थी, नाश्ता लग रहा था। नाश्ते में आप इडली सांभर खाइए, छोले पूरी खाइए, ब्रेड बटर खाइए, कॉफ़ी पीजिए, चाय पीजिए, फ्रूटी पीजिए, मिनरल वाटर पीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स पीजिए, बहुत सारे ऑप्शन, आप जो मने लीजिए। एक बार की एंट्री फीस करीबन 1475 रुपये है और कुछ स्पेशल टाइप के क्रेडिट कार्ड्स पर एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस फ्री होता है साल में 6 या 8 बार। तो अगर आपके पास किसी भी स्पेशल बैंक का कार्ड है जिस पर ये सुविधा मिल रही है, तो आप इसको फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आपको करीबन 1475 रुपये के आसपास पर पर्सन देना पड़ेगा। यहाँ पर एक बार आने के बाद आप कितना भी खाइए, कितनी बार भी लीजिए, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। आप कितनी भी कॉफ़ी पी सकते हैं, कितना भी खाना खा सकते हैं। फिर उसके बाद हम सब निकल लिए अपने गेट पर जाने के लिए, जहाँ से हमारी कलकत्ता की फ्लाइट जाने वाली थी। हमारा प्लेन टेक ऑफ हुआ मुंबई से कोलकाता के लिए। अभी आप देखिएगा नीचे, आपको एशिया की सबसे बड़ी असलम धारावी जो आपको नीचे दिख रहे हैं, महीन महीन घर, यही है वो धारावी की झुग्गी झोपड़ियाँ, असलम एरिया है। कुछ दूर बढ़ने पर हमें वर्ल्ड फेमस मुंबई वर्ली सीलिंग भी दिखाई दिया। शायद आपको ना दिखाई दे, लेकिन अभी जब समुद्र शुरू होगा तो वहाँ पर वो बना हुआ है। कोलकाता भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है। इसकी गिनती भारत के 4 सबसे बड़े महानगरों में की जाती है। कोलकाता को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। कोलकाता दर्शनीय स्थल की फेहरिस्त बहुत लंबी है। कोलकाता की सैर करने का अपना अलग ही मजा है, क्योंकि हुगली नदी के किनारे बसा यह शहर कला और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी इतना धनी है कि इसे देश की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि सन 1690 में जब एक अंग्रेज व्यापारी जॉब चारनाक ने यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक मुख्यालय की नींव रखी थी, तब यह एक छोटा सा गांव था। आज यही गांव कोलकाता महानगर के रूप में विकसित होकर विश्व प्रसिद्ध हो चुका है। इस महानगर में बहुत सारे घूमने वाले स्थल हैं, जिनमें से कुछ फेमस स्थलों के बारे में आपको हम बता दें। पहला है विक्टोरिया मेमोरियल, दूसरा हावड़ा ब्रिज, इंडियन म्यूजियम, फोर्ट विलियम, साइंस सिटी,
दक्षिणेश्वर काली टेंपल जिसकी अपनी बहुत ज़्यादा महत्ता है, बेलूर मठ, सेंट पॉल कैथेड्रल, ईडन गार्डन फेमस क्रिकेट ग्राउंड जो एक समय विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड था, ईडन गार्डन वो भी कोलकाता में है।